एनएस वाला वहां पे देखा निकल गए। अरे बाप रे बाप, अबे कौन थीरी, अबे भाई भाई। फाइनल गाइस वंस अगेन भाई हम आ चुके अपने पुराने अंदाज में संडे राइड, और संडे राइड पर भाई आ चुकी है अपनी यहाँ पे बेताल, यहाँ पे है ड्यूक 200 एमटी स्प्लेंडर, और यहाँ पे गाइस निंजा, वहाँ पे है नितिन भाई की एंड टॉक। तो चलो नितिन भाई कैसे हो ब्रो? तो भाई नितिन भाई अभी बहुत जल्दी बड़े वाले राइड पर निकलने वाले, आप लोगों को पता चल जाएगा, तो व्लॉग चेक करना है इनका, मतलब लंबा वाला राइड होने वाला। एंड ए रे रतन भाई अपने निंजा के साथ, ए रे सैम भाई, भाई कैसे हो? ए बढ़िया भाई, बाकी भाई लोग से मिलवाते हो। अरे राहुल भाई कैसे हो? राहुल भाई, तो राहुल भाई की भाई एमटी है, लेकिन भाई ले रहे ड्यूक के मजे बोल रहे, कैसा लग रहा है? इस अपने विपुल भाई जो कि लाए भाई स्प्लेंडर, लॉर्ड स्प्लेंडर, तो चलो चलते हैं। बट आज भाई ने चमका के लाया, राहुल ने इसकी ड्यूक से, हाँ ड्यूक से भाई चमका रखी है, ड्यूक तो सैम भाई की है बट एमटी गाइस चमक रही है। और बता दो, चलो हमने साफ सुथरी रात को ही मैंने कर ली, तो गाइस अभी निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि अभी लेट तो नहीं हुआ बट हाँ अंधेरे में आए थे यार, यहाँ पे उजाला हो चुका है अच्छा खासा, तो निकलते हैं G20 पे चलते हैं। देन गाइज आज का प्लान कुछ अलग है, क्योंकि भाई आज है छोटी होली, तो देखते अगर भाई लोग भाई गुलाल उलाल रहे होंगे ना, तो रील उल बनाएंगे थोड़ा सा कलर फेंक के बेताल के ऊपर, और होली होली भी खेल लेंगे। गुलाल लाओ, गुलाल नितिन भाई कलर लाओ, बोलो तो कलर लाओगे, कलर लाओ नहीं लाए? अबे यार मैं भी सोच ही रहा था कल लू ना लू, हर हर महादेव। हो सकता है थोड़ा सा रश हो जाए, क्योंकि कम बंदे हैं ना, चार पांच बंदे हम भाई लोग हैं, तो आराम चलेगा अपने हिसाब से। बाकी भाई आज ट्राई करूंगा गाइस आपको निंजा का 300 वाला का भी भाई टेस्ट राइड दूं, पिछली बार भी भूल गया था। आप लोग कमेंट कर देना भाई अगर चाहिए होगा तो, क्योंकि इसका फर्स्ट सर्विस होगा तो आपको दिक्कत नहीं आने वाला। लेट्स गो भाई साहब, भगा कैसे रहो? हाँ सुबह सुबह भाई हमने देखा था यार, जब मैं आया था ना थोड़ा अंधेरा था, बट भाई एक S1000 गाइस, S1000 RR वाला भाई व्हीली पे पूरी गाड़ी ले गया। सोचो भाई इतना खतरनाक साउंड आ रहा था भाई L9-4 मशीन का, व्हीली पे गई थी एक टायर पे काफ़ी दूर तक, तो मज़ा आता भाई संडे राइड में ना, मतलब सुपर बाइक का साउंड देखने को मिल जाए ना सुनने को, तो क्रेजी अलग होता भाई L9-4 मशीन का। और अपना ड्रीम रखेंगे बहुत जल्दी, एक टारगेट रखने वाला इस लेवल से गाइस उस लेवल तक जाना। भाई क्या हुआ, गत्तों में फंस गया था क्या अपने को? गाइस इस लेवल से ना भाई एंटॉक से नेक्स्ट लेवल पे जाना, उसके लिए भाई बहुत मेहनत और आप लोगों का बहुत सपोर्ट चाहिए होगा, तो बहुत ही जल्दी बताऊंगा आपको क्या टारगेट है क्या नहीं है। तो अभी भाई ना चलते गाइस G20 की साइड। ओए हो तेरी भाई सैम भाई फुल सिस्टम में रहते हैं, फॉग लाइट भी बंद कर रखी यार, मेरा फॉग लाइट ही खराब हो गया, इसको देखो भाई डांस चल रहा है। गाइस गोली होगा बंदे आज तो भाई, निंजा वाला भी भागा क्योंकि उसकी सर्विस हो गई भाई। ओ एमटी बच गया कि स्प्लेंडर, और मैं तो भगा लूंगा, लेकिन चलो स्प्लेंडर वाले भाई को आन दो। गाइस ये स्प्लेंडर वाले भाई भी आ चुके हैं, अब इंडिकेटर सेट हो गया, चलो आ जाओ। हमने 3-4 बाइकें चली ना भाई, जब तीनों बाइक वाले खेसते ना तो हम कहीं ना कहीं पीछे रहते हैं, क्योंकि ये चेक करो भाई MT-15 भाई, किसके किसके ड्रीम है बताना है MT-15, अगर बोलोगे तो भाई इसको भी चलाएंगे, इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, क्योंकि मैंने अभी तक इसको भी नहीं चलाया। और निंजा बताना भाई किसके ड्रीम है और ड्यूक किसके ड्रीम है, क्योंकि जो तीन बाइकें अभी है ना ग्रुप में भाई, तीनों कहीं ना कहीं गाइस मतलब अपनी अपनी सेगमेंट में किलर मशीन है, और भाई बहुत चाहने वाले हैं इनकी मशीनों के तीनों ही बाइक, मतलब डिमांडेड है। सोच रहे हो भाई तगड़ी बाइक है, एक निंजा 300 है, एक ड्यूक है भाई, ड्यूक के तो लवर्स भरे पड़े हैं, और MT-15 भाई यामा की MT-15, और जो अपना R15 है भाई इसके दीवाने में भरे पड़े अपने। तो आप लोग बताना भाई किसके फ़ैन हो, बाकी बेताल के फ़ैन तो भाई जाइए अपने पास एंटोक की, अभी तो चल रही भाई। और टाइम की बात करें भाई 6:36, अभी धूप नहीं निकला है, लेट्स सी कब तक आता, कौन हॉर्न दे रहा है, लेट्स गो गाइस लेट्स गो। कभी कभी ना स्लो चलना भाई थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि पीछे से ना हॉर्न करते हैं, इससे बढ़िया आप निकल जाओ मौका मिले तो। चलो डालते रहे इस मोड में, जा रहा भाई साहब
देख रहे एम्प्टी स्टार्ट होते गाइस। मैंने बोला था आज थोड़ा सा हो सकता है रश चले जाए क्योंकि काफ़ी कम बंदे हैं ना, तो सारे भाई अपनी मर्जी से खींच रहे हैं क्योंकि कभी कभी ऐसा लगाते हैं, वरना जितना ज़्यादा बड़ा ग्रुप रहता है भाई सारे आराम चलते हैं। नितिन भाई सबसे आगे चल रहे, देखो इतनी तेज खींच के ला रहा जब भी भाई सबसे आगे है। वो राइड का भी अलग मज़ा आता है और ये राइड का भी अलग मज़ा होता है। इसमें थोड़ा सा भाई थ्रिल मिलता है लेकिन थोड़ा डेंजरस होता है, लेकिन चलो अपने सेफ्टी के हिसाब से ही कर रहे हैं, जितना अपने लिमिट है ना वहीं तक खींचते हैं। ऐसा नहीं कि बस ट्रैफिक का कैसे आ रहे कैसे आ रहे, कभी भी ओवर स्पीड मत करना जो आपके कंट्रोल से बाहर चले जाए, इतना ओवर स्पीडिंग कभी मत करना भाई। सुपर बाइक गाइस, सुपर बाइक आ रही है। ओह माय गॉड जी नोसो, रतन भी खींच रहा है, देखो भाई खींच रहा है इसको। पहुंच चुके जी 20, यहाँ पे अपना एक राइडर देखते हो कहाँ पे है। ये लो एक और सुपर बाइक आ रही है भाई, आ रही है जा रही है। आ रही गाइस आ रही भाई, दूर से आ रहे हो तो ZX10R। हाँ हो रही हो रही भाई साहब, खैर डाउन कर दे क्या साउंड होता है क्योंकि होली दिवाली नहीं आते भाई, बंदे कभी भी आते भाई, बस राइड होनी चाहिए, संडे होना चाहिए। लौंडे लोग हाजिर है भाई, देख रहे हो नई वाली 310 अपाचे की, देखो क्या सेक्सी लगती है भाई। और यहाँ पे R15 तो लेजेंडरी बाइक है भाई, RC यहाँ पे। हाँ ये कुछ रेयर बाइक है गाइस, सुजुकी की पता नहीं 1000 है या फिर कौन सी है, बट हाँ सुपर बाइक है गाइस ये वाली है गाइस, ओल्ड मॉडल प्लस भाई बहुत ही खूबसूरत भाई, शार्प लगती है वाली। यही वाली S1000 थी जो भाई साहब विली मारती हुई आई थी, जहाँ तक मुझे लग रहा कि ब्लैक कलर की वो भी थी, ये भी है देखो। हाँ यही होगी भाई साहब, एक टायर पर गाइस गाड़ी निकली थी अपनी दौलत वहाँ से। और एक और जी 900 R15, सही बात है अगर यहाँ पे से भगा रहे ना बंदे, अगर अनबैलेंस हुई गाइस बहुत सारी बाइकें चली जाएंगी भाई। तो चलो चलते हैं वापस, देन गाइस निकलेंगे अपने लोकेशन के लिए। बट भाई लाइनअप ना गाइस, बाइकर्स का लाइनअप्स भाई हमेशा खूबसूरत होता है, 24/7 सुपर बाइक है गाइस, ये भी बढ़िया वाली भाई। ये देखो यहाँ लड़ाई चल रहा भाई साहब, भाई कहाँ है तुम, तुम्हारी बाइक कहाँ है? बाइक भाई वहाँ खड़ी है भाई, NS200 का साउंड सुना है जी 900 के सामने। खतरनाक साउंड कर रही है भाई लेकिन, ओह माय गॉड, लेट्स मूव गाइस, चलते कैफे की साइड भाई साहब। NS200 वाले को कैसे मंगा रहा है, घर पे रखी पड़ी अपनी मॉन्स्टर भाई, लेकर आ जाएंगे अभी। बट रहन दो भाई, अभी मॉन्स्टर नहीं, अभी चलाते बेताल, मॉन्स्टर भी कभी लाएंगे क्योंकि सर्विस उसकी कराई थी भाई, सर्विस कॉस्ट गाइस बड़ा महंगा पड़ा भाई, 4000 की सर्विस हुई है NS200 की अपनी, और इसकी कहाँ 1600 रुपये में हुई थी, डबल ट्रिपल खर्चा भाई उसका। इस रोड भाई बिल्कुल सीधी है तो भाई साहब, NS वाला वहाँ पर देखा निकल रहे, अरे बाप रे बाप, अब एक कौन तेरी, अबे भाई भाई तेरी भाई साहब क्या थे, अबे भाई साहब पागल कर दिया भाई साहब, भाई किस रोड से ले आए भाई ये लोग, मैं तो मुझे लगा भाई साहब सैम भाई आ रहा, लेकिन सैम इतना तेज कैसे आ सकता है, हालत खराब कर दिया भाई साहब इन्होंने तो, इतना तेज कोई कैसे जाएगा भाई, देख रहे हो अनबिलीवेबल भाई साहब, फाड़ के रख दी भाई इन्होंने, फाड़ के रख दी, बड़ा स्कैरी था भाई, जब पता ना कोई इतनी तेज निकाले फिर तो भाई डर लगता ही है। देख रहे हो भाई पूरा ग्रुप ए रहा जो भी बड़ी तेज गई थी भाई, आराम चलो तुम तो मार दे रहे हो, देख रहे हो भाई क्या जा रहे हैं लोग, इसलिए मैंने थोड़ा इधर उधर भी नहीं किया कि भाई बंदे तेज निकालेंगे। भाई साहब हालत खराब कर दी थी तो अभी यार बहुत ही जा रहे भाई साहब मेरी हालत खराब कर दी भाई साहब, 310 वाला खुद मेरे यहाँ से गया, मुझे लगा सैम जा रहा लेकिन इतनी तेज गया हो,
भाई हम सारे बोल रहे हैं, देख लो बंदे जितने भी हैं बहुत तेज निकाल रहा बंदा। चलो चलो, लेकिन वो लग गया, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मतलब हालत खराब कर दी थी। चलो NS 200 से रेस लगाए क्या भाई, रोड ही ऐसी देख रहे हो। वन सेकंड लगता कितनी जा रही है भाई, ट्रैफिक वो हो, स्पीड ब्रेकर भाई साहब। ये गाइस गलत बनाया इन्होंने, यहाँ पे इतनी खाली रोड पे स्पीड ब्रेकर कौन बनाता बताओ, एक्सीडेंट को न्योता देना हुआ बिल्कुल जस्ट है। हम तो चलो भाई पता है कि कैसे निकालना है स्पीड ब्रेकर पे, खड़वाने से कंट्रोल हो आता गाड़ी मतलब, लेकिन एकदम से भाई गलत सीन था भाई। आज राइड में मजा तो आ रहा, लेकिन कहीं ना कहीं रिस्की भी बहुत ज्यादा भाई साहब, स्पीड ब्रेकर लो, बंदे लो भाई, खत्म वाला सीन कर दे रहे हैं पूरी रोड भाई साहब नीचे तक की। लेट्स सी, बस स्पीड ब्रेकर ना है भाई, NS 200 गोली मशीन है यार वो भी, खत्म भाई साहब। ऐसे ऐसे रोड है, अब समझ में आया इस रोड से क्यों लाया भाई साहब, रोड तो है बहुत खाली, लेकिन भाई साहब यहाँ पे राइडर्स भी ऐसे चला रहे कि पूछो ही मत। फान से निकलने के बाद तू पानी बोल रही है, तो बंदे भगा रहे थे। फाइनली पहुँच चुके भाई एक न्यू कैफे, यहाँ पे कभी नहीं आया था वैसे तो, मैं दिखा रखा हूँ बट आए नहीं था तो भाई है यहाँ तो भाई ये है बर्न आउट कैफे, और यही वाले बिली वाले भाई है जो भाई भगा रहे थे ना S1000RR, अंदर कहाँ खड़ी करेंगे, बाहर ही लगा दे, बाहर यहीं लगा दो गाइस, अंदर बाइक ही बाइक है, आपको दिखा दो। चलो पहले यहाँ लगाते हैं, देन आई विल शो यू गाइस, भयंकर मशीन मतलब अंत लेवल बोलते ना, मॉन्स्टर किलर भाई भाई भाई, भाई। क्या था भाई, बिल्कुल भाई हट जाओ, तुम हट जाओ, वही बंदे भाई, वही बंदे हैं भाई, बता नहीं सकता चीटी वाला क्या निकला, मतलब बता नहीं सकता कैमरा रिकॉर्ड हुआ होगा, स्प्लेंडर वाले की फट गई होगी भाई साहब, बगल से निकला है, मतलब बताओ भाई हमें यहाँ से देखते हुए डर लग रहा, बंदे भगा कैसे रो, छुट्टी में इसके लिए कौन सा ग्रुप है जो इतनी रूल फॉलो कर रही है, पब्लिक को तो जान से मार देगी, हार्ट अटैक हो जाएगा उसको, मुझे लगता है स्प्लेंडर वाले। हाँ भाई जीटी होते हुए इतना मतलब कटिंग कर रहा है, पर गाड़ी ना एकदम मस्त चला रहा है, तूफान दी भाई तूफान है लोग तो भाई, बता नहीं सकता गाइस कितनी खतरनाक चला रही, इतना मतलब आपने अगर रिकॉर्डिंग देखा होगा हार्ट अटैक वाला सीन है भाई इन लोगों का। और यहाँ पे चलो सुपर बाइक दिखा दो भाई, Z800 S1000RR रेड कलर की भाई, यहाँ पे हाईबूसा मतलब एक और नहीं हाईबूसा, ये देखो भाई सुपर बाइक का मतलब गाइस भरमार है यहाँ पे गाइस, देखो स्पीड बम्स भाई, ZX10R है ना 6R है, पुरानी वाली वही समझ में नहीं आ रही थी गाइस, ओल्ड वाली ZX10R है यहाँ पे, और एक और ZX10R वो भी मैं भी ओल्ड वाली, देखो डिस्प्ले से आपको पता चल जाएगा, देख रहे हो आपको पुराने वाले गाइस वहाँ पे आता था, और यहाँ पे ये है न्यू वाली, देखो ये है गाइस न्यू वाली ZX10R फुल ब्लैक में, देख रहे हो क्या खतरनाक लग रही है, नई वाली है लेट्स गो गाइस, यहाँ पे फर्स्ट टाइम अपन आए हैं, देखते भाई कैसा एक्सपीरियंस रहता, और यहाँ पे लेजेंडरी यमा RX 100 लेके चलो, लेके चलो इसको बैठते हैं, यहाँ बैठे सही आ जाओ, यहीं बैठते हैं। भाई अभी निकल ले, बट उससे पहले भाई हम लेकर आए भाई स्प्लेंडर से लेने गए तो गुलाल, क्योंकि भाई यहाँ पे होली वाला सीन क्रिएट कर रहे हैं, और BMW S1000 अभी भी ये चक्कर भाई,
गुलाल है तो अभी बेताल गाइस लाते हैं यहाँ पे, एक आधा रील हम भी बनाएंगे वहाँ पे, एक और एंटो का दिखाता हूँ यहाँ पे। रेस एडिशन इसको देखो भाई साहब, होली चल रही है तो सेम गाइस अभी ऐसा एक दो रील शूट करेंगे बेताल के ऊपर। बाहर लगा रखा है मैंने भाई फुल अपनी होली होली हो चुकी है, और ये चक्कर भाई बेताल को क्या मस्त कलर लग रहा है, अभी तो हटा दिया। फुल गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, क्योंकि बहुत दिनों बाद में हम संडे राइड पे आए थे, दो से तीन वीक गाइस हमने स्किप किया था। इस वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नया है तो भाई सब्सक्राइब करके जरूर जाना। किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक गाइस टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।